और आपको बता दें कि 1932 की खतियान को मांग को लेकर दौड़ का आयोजन किया गया था, जो दौड़ बोकारो से होते हुए धनबाद पहुंची और साथ ही उससे पहले बलियापुर स्थित विनोद धाम में युवाओं ने विनोद बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मीडिया से बात करते हुए छात्र नेता जयराम महतो ने कहा कि झारखंडी जनमानस अपने हक के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति और खतियान आधारित विस्थापित नीति लागू करने की मांग को लेकर ये लड़ाई लड़ रहा है। खतियान आधारित नियोजन और स्थानीय नीति उद्योग नीति लागू करने के लिए झारखंड दौड़ रहा है। बात बहुत बुरी है। जेपीएससी की बात करें, जेएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, सारी वैकेंसियों में यहाँ लटकाया जा रहा है। यहाँ के स्टूडेंट को केवल पढ़ाया जा रहा है दिमागी गुलाम बनाने के लिए। इनके लिए ना नियोजन है, ना इनके लिए हक अधिकार है, बल्कि इनका यहाँ से फ्लाया हो रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अन्य राज्यों के लोग यहाँ आकर धड़ल्ले से लाखों रुपए अवैध कारोबार कर रहे हैं। कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, पहाड़ बेच रहे हैं, पर्वत बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड उद्देश्य सही बन रहा है। आज ये लड़ाई इसलिए झारखंड आज नहीं लड़ता है।